क्या तुम सब तैयार हो एक कहानी सुनने के लिए? जी हाँ जी हाँ, हाँ बोलो बच्चों, हाँ हाँ तैयार हूँ। तो ये कहानी है तीन टीनेजर्स की, मोर लाइक म्यूटेंट टीनेजर्स की। एक का नाम है जिम, एक का नाम है मॉरिस और तीसरे का नाम है जैंडर। ये तीनों एक रात चिलिंग के ऊपर, चिलिंग के लिए बाहर जा रहे होते हैं अपनी मुस्टैंग जीटी में, और उनका मन करता है कि वो थोड़ा ड्रिफ्ट विफ्ट कर ले, बिकॉज व्हाई नॉट, दे आर टीनेजर्स। तो वो टीनेजर्स अपनी गाड़ी मोड़ते हैं और ड्रिफ्ट करना शुरू करते हैं। जैसे ड्रिफ्ट मारते चले जाते हैं, मारते चले जाते हैं, उनके हाथ में एक बियर का कप होता है जिसे वो धीरे 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 पीते हैं, पर एक वक्त बोर हो जाते हैं और उसे फेंक देते हैं। अब वो नशे में हैं और उनके पास एक बहुत सुपर गाड़ी है। वो सोचते हैं क्यों ना एक अबैंडन्ड एरिया एक्सप्लोर किया जाए। तो वो सामने वाली स्ट्रीट के बगल में एक अबैंडन्ड अपार्टमेंट में चले जाते हैं, जस्ट बिकॉज वो टीनेजर्स हैं और उन्हें पता नहीं है कि वो क्या करने वाले हैं। जब वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं सब कुछ अंधेरा गुप है जैसा कि उन्हें पता था, और वो सोचते हैं कि वो व्लॉगिंग कर लेंगे, शायद उन्हें थोड़ा बहुत कंटेंट मिल जाए। वो बहुत कोशिश करते हैं, आवाज़ें पुकारते हैं कि कोई अननेचुरल सोर्स उनकी बातें सुन ले, बट क्या ऐसा होता है? नहीं। फिर वो सोचते हैं काश हमारे पास ओइजा बोर्ड होता, इतनी देर में उड़ता हुआ ऐसे फक 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 ऐसी आवाज आती है। शक्तिमान। उन्हें भी यही लगा था। वो बच्चे एक्साइटेड होके उस आवाज को चेकआउट करने जाते हैं, पर उन्हें रियलाइज होता है वो शक्तिमान नहीं बल्कि एक बुढ़ी औरत है। बुढ़ी औरत है जिसके बाल सफेद हैं और उसने अपना पूरा शरीर मोड़ रखा है, और वो बस डकारे मारे जा रही है। वो बच्चों को देख के खुश हो जाती है और कहती है, बच्चों नई कहानी सुनोगे? बच्चे और एक्साइटेड हो जाते हैं और कहानी सुनने बैठ जाते हैं। वो औरत कोई साधारण औरत नहीं है, वो एक्चुअली में रानी लक्ष्मी बाई है, जिसे 1800s में ब्रिटिशर्स ने मार दिया था, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है उनसे बदला लेने। अब ये टीनेजर्स जो कि थोड़े बहुत म्यूटेंट भी है, आखिर वो अपनी शक्तियों का कैसा इस्तेमाल करेंगे, आइए देखिए अगले एपिसोड में।